सब्सक्राइब कीजिए दानिश फिल्म स्टूडियो चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें मेरी गेमिंग वीडियो सबसे पहले। हेलो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज दानिश खान अगेन विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पबजी का बहुत अच्छा गाइड देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो को आप इसी तरह से देखते रहिए। आज मैं आपको पबजी की सारी बातें बता देने वाला हूँ, आप इसे किस तरह से प्ले कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन इस पर रहते हैं, मतलब सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, वीडियो पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी गेम की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पबजी के होम पेज पर हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रहता है गेस्ट का, एक रहता है फेसबुक का। अगर आप फेसबुक पर अगर आप गेस्ट से इस पर लॉगिन करते हैं तो साइन अप लॉगिन जो भी है उसे फेसबुक के गेस्ट से करते हैं तो आप मान लीजिए फ्यूचर में कभी आपका जो फ़ोन है वो रिस्टोर हो जाता है, आपका जो पबजी वो डिलीट हो जाता है, तो आप पबजी को फिर से इंस्टॉल करेंगे तो जैसे आप गेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सारा डेटा है वो हो जाएगा डिलीट। तो अगर आप फेसबुक से लॉगिन करते हैं और मान लीजिए फ्यूचर में कभी आपका फ़ोन रिस्टोर हो जाता है, पबजी डिलीट हो जाता है, पबजी को आप फिर से डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आप फिर से की पबजी को फेसबुक से लॉगिन करते हैं, जहाँ से आपने प्रोसेसिंग को छोड़ा था, जहाँ जिस लेवल पर छोड़ा था, मतलब सारा डाटा आपका वापस आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फेसबुक से ही लॉगिन करें। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखते हैं, ऊपर साइड राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं हेल्प लैंग्वेजेस और रिपेयर, ये तीन ऑप्शन हमारे किसी काम का नहीं है। मान लीजिए अगर आपका फ़ोन कभी पबजी कभी अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है या फिर सर्वर अवर की प्रॉब्लम आ रही, तो आप रिपेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 20 MB डाउनलोडिंग मिलेगा, उसके बाद आपका पबजी अच्छी तरह से वर्क करने लगेगा। तो यहाँ चलिए हम फटाफट से फेसबुक से लॉगिन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इसलिए मैंने कैसे लॉगिन कर दिया, तो वो जरा मैंने वीडियो कर लिया था स्किप और लॉगिन कर लिया था। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों जो आप फर्स्ट टाइम खेल रहे होंगे तो आपके पास कपड़े नहीं होंगे, बस एक चड्डी होगी बस। तो भाई आप बाद में भी ले सकते हैं, वैसे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 2-3 बार खेलेंगे फिर आपको मनी होगा, मनी मिलेगी, उससे आप फिर से कपड़े ले सकते हैं। तो मैंने कपड़े लेके रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको नॉर्थ अमेरिका और एशिया का स्टेट मिलेगा, तो आप नॉर्थ अमेरिका को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको पॉइंट्स दिख जाएंगे, आपकी फेसबुक की फ़ोटो दिख जाएगी और आप लेवल कौन से लेवल पर है वो आपको दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर रैंकिंग दिखाती है, और रैंकिंग के बाद यहाँ पर सेटिंग्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आपको इन्वेंट्री में मिल जाएंगे, आप कपड़े, शूज़, कैप, मतलब जो भी आप लेना चाहते हैं, पैरासूट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है, एक मिलता है स्क्वेड, एक मिलता है डुओ, एक मिलता है सोलो। अगर आप स्क्वेड पर क्लिक करते हैं तो आपके 120 प्लेयर के साथ मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से आपके 4 वो रहते हैं, आपके 4 वो प्लेयर्स रहते हैं, गाड़ी रहते हैं। और जो सोलो पर सिलेक्ट करते हैं तो आप सिंगल खेल सकते हैं, डुओ पर क्लिक करके आप डबल से खेल सकते हैं। और यहाँ आपको और ऑप्शन मिलते हैं रूम का, आप रूम क्रिएट करके किसी को भी ऐड करके फेसबुक के फ्रेंड किया, फिर किसी को भी ऐड करके अपनी एक टीम बना के गेम को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स का, यहाँ आपके सारे फेसबुक के फ्रेंड्स जाएंगे तो आप उन फेसबुक के फ्रेंड्स को ऐड करके उनके साथ खेल सकते हैं। तो अब यहाँ सारे ऑफलाइन हैं, तो जैसे वो ऑनलाइन आएंगे तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम यहाँ पर प्ले कर लेते हैं स्क्वाड में। ओके गाइस, तो जैसे हम स्क्वाड पर प्ले कर लेंगे तो यहाँ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और आप इसका इंटरफेस तो देख ही सकते हैं। तो यहाँ हमें गाइस थोड़ा लगता है वेट करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी जाएगी, इसलिए मैं यहाँ वीडियो कर लेता हूँ इसकी और सीधा चलते हैं हम गेम प्ले पर। हाँ तो दोस्तों जैसे ही हम गेम प्ले पर जाएंगे, लोडिंग कंप्लीट होगी तो आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 40 सेकेंड चल रहा है टाइमिंग, और ये 40 सेकेंड में जितने भी आपके प्लेयर रहते हैं ग्लोबली वो सारे इसमें ऐड होते रहते हैं, तो जितने भी एक ही बार में 30 सेकेंड में ऐड हो जाते हैं फिर उन्हीं का मैच होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक प्लेयर दिख रहा है जिसके ऊपर येलो पॉइंट है, तो उस पर नंबर 1 दिखा था, वो हमारी टीम का है, मुझे भी नहीं पता वो कौन है। और यहाँ आपको माइक का ऑप्शन भी मिलता है मैप के पास, आप देख सकते हैं माइक का ऑप्शन बात करने के लिए। और उसके साथ साथ ये हमारा प्लेयर है, आप देख सकते हैं, लगता है ये भी प्लेयर फर्स्ट टाइम खेल रहा है इसलिए नंगा है। चलो तो जाने दो, यहाँ देखिए ये फाइट हो रही है, लेकिन अभी मैच चालू नहीं होगा, आप ये मत सोचिए मैच चालू होगी। देखिए जैसे टाइमिंग होगी तो यह हमारा मैच चालू हो गया। अब ये प्लेन जाएगा मैप के ऊपर से, और यहाँ पर अलाइव देख सकते हैं जितने भी प्लेयर हैं, अलाइव है वहाँ 100 लिखा है, और उसके राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा किल का, आप जितने को मारेंगे वहाँ काउंट होता रहेगा। यहाँ मैप में आप मार्क लगा सकते हैं कि आपको कहाँ पर जंप करना है, तो यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रिमूव मार्कर, मार्क माई लोकेशन। ओके, तो यहाँ हमने टिक कर दिया है उस लोकेशन पर, और फिर यहाँ आपको जंप का ऑप्शन मिल रहा है, और अभी हम जंप नहीं करेंगे जहाँ हमने मार्क करा है, हाँ यहाँ जंप कर लेते हैं। और यहाँ से हम थोड़ा जहाँ भी आप जंप करना चाहते हैं वहाँ जंप कर लीजिए,
और इस तरह से आप जंप कर सकते हो। यहाँ आपको एक मैप के नीचे एक मैसेज का आइकॉन दिख रहा है, वहाँ आप पर मैसेज पर क्लिक करके अपने फ्रेंड से मैसेज कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप मैसेज करना चाहते हैं, इधर चलो उधर चलो, कुछ भी गाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ लैंडिंग कर लिया है, और जैसे ही हम नीचे आते हैं तो गाइस यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ मतलब बन रही है अभी। तो यहाँ हम लैंडिंग कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में लैग होता है तो आप सेटिंग को लो कर सकते हैं। तो जैसे हम नीचे लैंडिंग कर लेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक दूसरे मतलब सभी घर के अंदर जा के फटाफट से सारी गन ले लेना है। ओके गाइस, इस गेम में ऐसा ही रहता है, आपको सबसे पहले जैसे ही आप लैंडिंग करेंगे सबसे पहले आपको गन ढूंढना रहता है। तो आप हम किसी भी घर में घुस जाते हैं, आप भी किसी घर में घुस जाइएगा, और यहाँ हम गन ढूंढेंगे। तो अभी तक तो मुझे कोई गन नहीं मिली है, और यहाँ हमें मिला है एक सूट, और ये रही गोली, गन नहीं मिल रही, गोली मिल रही, वाह यार क्या बात है। उसके बाद यहाँ हमें कुछ नहीं मिला तो हम चलते हैं दूसरे घर में सीधा। तो इसी तरह से गाइस आपको अलग अलग घर में जाके अपना जो बैग है उसे फुल करना है, और आपको बैग भी ढूंढना मतलब सब कुछ ढूंढना है। अभी तो मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ गोली मिली और एक सूट मिला है, और यहाँ इस घर में चलते हैं, यहाँ हमें लगता है कुछ मिल सकता है। तो यहाँ और हम देख सकते हैं फाइट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ जंप का ऑप्शन दिख रहा है, प्रॉन का ऑप्शन दिख रहा है, एंड यहाँ पे भी ऑप्शन दिख रहा है। आप देख सकते हैं आपका जो बैग है, एनालॉग के नीचे तरफ आपका जो बैग है, वहाँ से जैसे आप बैग पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बैग ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप जो भी सामान को बैग से निकालना चाहते हैं उसे निकाल सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। और इसी तरह से गाइस यही था, कुछ गन ढूंढना है आपको, दूसरों को मारना है। आपका जो मैप है धीरे छोटा हो जाएगा, मैप के नीचे आप टाइमिंग देख सकते हैं, टाइमिंग चल रही है, तो इस टाइमिंग के साथ साथ मैप छोटा हो जाता है, तो सारे घड़ी एक जगह इकट्ठा होते रहते हैं, और फिर लास्ट में छोटा सा मैप हो जाता है, फिर उस मैप में जो जिंदा रहता है वही बचता है। तो यहाँ आप मैसेज का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ हम हाय बस कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपको जहाँ ऐसे गेम की दोस्त देखकर आता रहता हूँ। तो कैसे मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक नहीं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे यार।